तो दोस्तों लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि डेविल क्वीन जो है हेल लॉर्ड को हमारे पास लेकर आई और फिर उसके बाद हमने हेल लॉर्ड को जिंदा किया। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि डेविल लॉर्ड जो है हेल लॉर्ड को मार देना चाहता था और वो उसे कभी भी जिंदा ही नहीं करना चाहता था गद्दी के लिए। फिलहाल अभी हेल लॉर्ड जो है अपनी टीम में ज्वाइन हो चुका है। हेल लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा बुरा इंसान था लेकिन अब ये जो है अच्छा इंसान बन चुका है और सारे के सारे अच्छे काम हमारे साथ मिलकर करना चाहता है। लेकिन ये बात मैंने हेवन गॉड और हेवन लॉर्ड को बिल्कुल भी नहीं बताई है। फिलहाल तो मैंने हेवन गॉड को यहाँ पर बुला लिया है, देखते हैं कितनी देर में अपने हेवन गॉड आ जाएंगे और उनको यार ये बात सब कुछ बतानी पड़ेगी कि यहाँ पर हेल लॉर्ड ने अपनी टीम ज्वाइन कर लिया है। पता नहीं यार वो ये मंजूरी देंगे क्या नहीं देंगे। वैसे अपन ने तो इसे बुला लिया है और अपनी टीम में ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन अब देखते हैं हेवन लॉर्ड या हेवन गॉड यहाँ पर क्या कहने वाले हैं। फिलहाल तो यार हेल लॉर्ड तुम्हें जो है आराम से बात करनी होगी उनसे, क्योंकि कहीं वो तुम्हें निकाल ना दे और तुमको उनका सारा कहना मानना होगा। जैसा जैसा वो बोलेंगे तुमको बिल्कुल वैसा ही करना होगा क्योंकि वो हमारे बॉस हैं। अरे मैं अच्छा इंसान तो बन गया लेकिन मैं किसी की बात नहीं मानता हूँ। ये बात तो फ्रैंकलिन तुम भी जानते हो। भले ही मैं कितना ही अच्छा इंसान बन जाऊँ लेकिन किसी का ऑर्डर नहीं मानूंगा। फिलहाल उससे बात करूंगा तभी पता चलेगा वो कैसा आदमी है। कब तक आ जाएगा वैसे वो? हेलो, वो बस आने ही वाले होंगे, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि उनके पास यार असीम ताकतें हैं लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं है। ओ लो यार हेवन गॉड यहाँ पर आ गए हैं। हेवन गॉड तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? अरे यार मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? अरे ये क्या, तुमने ये हेल लॉर्ड को यहाँ पर क्यों बुला रखा है? इसे यहाँ से तुरंत यहाँ से भगा दो वरना ये हम सबको मार देगा। अरे नहीं हेवन गॉड, इसे मैंने ही जिंदा किया है और मैंने ही इसे यहाँ पर बुलाया है। इसने अब हमारी जो है हेवन आर्मी ज्वाइन कर ली है क्योंकि इसका भाई इसे धोखा दे रहा था डेविल लॉर्ड, वो इसे कभी भी जिंदा नहीं करना चाहता था। तो डेविल क्वीन ने ये ऑफ़र मुझे दिया और मैंने इस ऑफ़र को मंजूरी दे दी क्योंकि अगर ये अपने साथ रहेगा तो डेविल लॉर्ड को हराना अपने लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इस काम से लेकिन पिता का कोई पता नहीं। आखिरकार वो हेवन लॉर्ड है, शायद वो मंजूरी ना दे लेकिन उसके लिए भी मैं उन्हें मना लूँगा। तुम चिंता मत करो फ्रैंकलिन, तुम बस मज़े करो और कोई प्लान बनाओ अच्छा सा डेविल लॉर्ड को ख़त्म करने के लिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी जो है डेविल लॉर्ड को ख़त्म कर देंगे तो ही अच्छा रहेगा। वैसे भी डेविल लॉर्ड ने काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखा है हमें। अभी हेल लॉर्ड तो अपनी टीम में आ ही गया है तो दिक्कत की कोई बात नहीं होने वाली, उसे आसानी से मार सकते हैं। मैं यार एक नए आदमी को लेकर आ चुका हूँ, उसका नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, ब्लड ड्रैगन। हेल डेविल लॉर्ड ने मुझसे बोला था ना कि ऐसे बंदी को लेकर आना जिसके पास असीम ताकते हो और वो एक बुरा शैतान हो। मुझे ऐसा एक आदमी मिला था और उसे मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। अभी फिलहाल वो गायब है क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा ताकतें हैं कि वो गायब भी रह सकता है और किसी की नज़र में आए बिगैर जो है कहीं पर भी जा सकता है। और उसके बड़े बड़े जो है पंख भी हैं, उन पंखों की मदद से वो उड़ता है। फिलहाल मैं लेकर जाता हूँ इसे डेविल लॉर्ड के पास, पता नहीं इसे कौन सा ओहदा मिलने वाला है। डेविल लॉर्ड मैं लेकर आ गया हूँ एक ऐसे इंसान को जिसमें काफी ज्यादा ताकत है और काफी। हे डेमन किंग, तुमने मुझे बेकूफ समझ रखा है क्या? मुझे कोई इंसान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा जिसके पास असीम ताकत हो और जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। कहाँ है तुम्हारा वो साथी जिसे तुम लेकर आए हो अभी अभी? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं हूँ वो जिसे डायमंड किंग लेकर आया है। मेरा नाम है ब्लड रेवन डेविल लॉर्ड। तुम बताओ मुझे कौन सा पद देने वाले हो? ये देखो मेरे पास पंख भी है जो पूरी की पूरी जो है हेल कम्युनिटी में किसी के पास नहीं। वैसे अब ये हेल कम्युनिटी तो रही नहीं क्योंकि यहाँ पर हेल लॉर्ड ही नहीं है, अब तो ये पूरी की पूरी डेविल कम्युनिटी बन चुकी है। ब्लड रेवन,
तुमने इसे एकदम सही कहा, और तुम्हारे पास मुझे काफी ज्यादा पावर लग रही है, लेकिन तुम्हें मैं एक ऊंचा पद दूंगा, हेल बॉस या डेविल बॉस करके। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा, तुम्हें जाना होगा और मारना होगा एक हेवन आर्मी के मेंबर को। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें डेविल बॉस बना दूंगा। समझ में आया ना ब्लड ड्रैगन? तुम्हारा ओहदा मेरे से बस एक कदम नीचे रहेगा। हा, लगता है तुमने मेरी शक्तियों को बहुत काम आका है डेविल लॉर्ड। मैं जाऊंगा और अपने आप को साबित करूंगा और डेविल बॉस भी बनूंगा, लेकिन मेरी शक्तियां डेविल बॉस बनने के लिए नहीं बनी है। मैं तुम्हारे टक्कर का आदमी हूँ, याद रखना। जिस दिन मुझे धोखा मिला तो मैं कायनात तक पलट सकता हूँ मेरे दोस्त डेविल लॉर्ड, लेकिन अभी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मैं तुम्हारी कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें अपनी शक्तियों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और तुम्हें मार कर दिखाना होगा हेवन आर्मी के एक सदस्य को। अभी मैं यहाँ से जाता हूँ और ढूंढता हूँ। मैं डायरेक्ट हेवन आर्मी में गया तो वहाँ पर बहुत सारे हेवन आर्मी के मेंबर होंगे, तो वहाँ पर जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है क्योंकि वहाँ पर हेल लॉर्ड भी है और इतने सारे मेंबर्स हैं। यानी कि वहाँ पर मैं अकेला जाऊँगा तो मेरी जान को खतरा होगा, लेकिन मैं उनको अकेले में मारूँगा। उसके लिए मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। मैं लॉस सैंटोस में तबाही मचाऊंगा, उससे वो किसी को भेजेंगे तबाही रोकने के लिए, तब मैं उनको मारूंगा और अपनी शक्तियों का जो है प्रदर्शन कर कर डेविल लॉर्ड को दिखाऊंगा। उसके बाद मैं डेविल बेस का जो है टेबल बॉस बन जाऊंगा मेरे दोस्तों। आखिर मैं पहुंच ही गया, मुझे वो जगह मिल गई जहां पर मुझे तबाही मचानी है। ये लो, तुम लोग मेरे आम सामने तुच्छ हो, तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं, तुम बस मामूली इंसान हो और तुम यहाँ पर मरने वाले हो। अभी मैं इन पर एक ऐसा अटैक करने जाऊंगा जिससे यहाँ पर तबाही मच जाएगी। यहाँ पर मेरी लेजर लाइट ही इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इनकी तो गाड़ियाँ तक ब्लास्ट हो रही है। अगर मैं अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करूँ तो पता नहीं क्या होगा। मजा आ रहा है, इनकी गाड़ियां फोड़ने में जो मजा आता है ना दोस्तों, वो किसी और चीज में नहीं आता। लॉस सैंटोस के लोग कितने ज्यादा कमजोर और बेबस हैं, इन्हें मारने में मजा आता है मुझे ऐसे ही कमजोर और बेबस लोगों को। ये अपने आप को पैसे के दम पर उछालते हैं, लेकिन इनको क्या पता पैसे से भी बड़ी चीज होती है ताकत, जिस पर ये इंसान कभी ध्यान ही नहीं देते, बल्कि एक पैसे कमाते हैं और बॉडीगार्ड खरीद लेते हैं। अगर खुद की ही बॉडी बना ले तो फिर पैसों की क्या जरूरत। ये लोग कभी भी नहीं समझते, ये हमेशा दूसरों पर निर्भर होने की सोचते हैं, जैसे कि भगवान। ये हमेशा भगवानों से मांगते रहते हैं जैसे कि ये भिखारी हो। अरे फ्रैंकलिन, मुझे लगता है लॉस सैंटोस में कोई तबाही मचा रहा है। तुम यहाँ से किसी को भेजो ताकि उसे रोका जा सके, वरना वो लॉस सैंटोस के इंसानों को ऐसे ही परेशान करता रहेगा। फ्रैंकलिन, जल्दी से भेजो किसी।
हाँ हेवन गॉड, मैं किसी को भेजता हूँ। मेरे हिसाब से सबसे बेटर इंसान यहाँ पर कौन है जो वहाँ जाने की कैपेबल है? अपना हेल लोड है यार। हेल लोड, तुम वहाँ पर चले जाओ ना। तुम्हारे से अच्छा कौन है यहाँ पर जो उस इंसान को रोकेगा जो भी तबाही मचा रहा है? भले ही वो चुट्टू मुच्चू तो क्यों ना हो, लेकिन तुम यार चले जाओ उसे और उसे मार दो। अरे ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करता मैं, टुच्चे मुच्चे लोगों को। कोई बड़ा काम हो तो ही बताना। अभी फिलहाल मेरे बेटे को भेज दो, उसमें भी काफी ज्यादा शक्ति है एलगोर में। उससे जाने की कहो, वो चला जाएगा। अरे हाँ यार, मैं चला जाऊंगा फ्रैंकलिन। तुम मेरे पिता को क्यों परेशान कर रहे हो? फिलहाल मैं चलता हूँ यार। मैं हूँ हेल गोड। अभी मुझे उस आदमी को ढूंढना है जो यार यहाँ पर लोस सैंटोस के लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसा कौन आ गया यार जो अब हेवन आर्मी से नहीं डर रहा है? हेवन आर्मी के पास बड़े बड़े लोग हैं। हेल गोड यानी कि मैं हूँ, हेल लोड मेरे पिता है, और फ्रैंकलिन है यार, और गोजो है। बहुत सारे लोग हैं हेवन आर्मी में। हेवन आर्मी की टीम कोई छोटी मोटी नहीं। ये कौन है? ये तो कोई नया बंदा लगता है। तुम कौन हो और यहाँ पर तबाही क्यों मचा रहे हो? अगर तुमने ये तबाही नहीं रोकी ना तो मारे जाओगे, याद रखना तुम। अबे भटूरे, तू कौन है? मैं तबाही बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। मुझे तो मजा आता है तबाही मचाने में। और वैसे भी मुझे हेवन कम्युनिटी के एक बंदे को तो मारना ही था ताकि मैं डेविल बॉस बन सकूं, और तू यहाँ पर आ गया। मेरा नाम है ब्लड रेवन। नाम शायद तुमने ना सुना हो, लेकिन अब सुन लिया ना। अब मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा। अबे तू क्या मुझे मारेगा? ये ले, अब मैं तुम्हें यहां से जाने ही नहीं दूंगा। ऊपर से तू मुझे मारने की बात कर रहा है। वो डेविल लॉर्ड मेरा चाचा, उसका चेला है ना तू? अब बताऊंगा मैं तुम्हें आखिरकार मैं कौन हूं। रुक जा, अभी भी वक्त है, समझ जा। ये तबाही मचाना बंद कर दे वरना तू मारा जाएगा। ये क्या कर दिया तुमने? ये तो तुमने टाइम ही रोक दिया। लिटरली में तुम्हारे पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी आज तुम्हें यहां से जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा मैं। देख लेना तुम। अरे अबे चल ना हेल गुड, मैं जानता हूँ तू हेल लोड का बेटा है। तू मुझे सस्ते में आंक रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे अंदर की शक्ति क्या है। अभी तो मैंने अपने पंख भी नहीं निकाले हैं, बोले तो विंग्स। अगर वो निकाल लिए तो तुम्हारा खात्मा पक्का है हेल गुड। फिलहाल मुझे उनकी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती तो कब का निकाल चुका होता। तुमको तो मैं ऐसे ही मार सकता हूँ। ये लो, इस गाड़ी पटकूंगा तुम्हें। हा, बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें पीटने में हेल गॉड। तुम मुझे सस्ते में आंक रहे थे, अब पता चला ना कितने अंदर पावर है मेरे। अरे चल, तेरी पावर देख ली, अब तू मेरी पावर देख। मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई आदमी मारा जाए, क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। अब तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां पर कोई ना हो और जहां पर मैं तुम्हें खुल के मार सकूं। ये लो, मैं ले आया तुम्हें एक ऐसी जगह। अब तुम्हें पीटूंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ब्लड रेवन, तुम डेविल बॉस तो क्या? तुम जो है मेरी बराबरी के भी नहीं हो। डेविल बॉस का दर्जा मुझसे कई गुना बड़ा होता है और तुम तो उसके लायक भी नहीं हो, क्योंकि अगर कोई डेविल बॉस बन सकता है तो वो मैं ही बन सकता हूँ, या हेल बॉस। तुम उस पद के भी लायक नहीं हो। फिलहाल तो मैं हेवन बॉस बनने वाला हूँ कुछ दिनों में अब, लेकिन तुमको मैं टेबल बॉस कभी भी नहीं बनने दूंगा। अरे तुमने क्या कहा, डेविल बॉस? तुम तो छोड़ ही दो, मेरी शक्तियाँ डेविल लॉर्ड से भी ज्यादा है। वो तो बस मैं अभी डेविल कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उनकी बात मान रहा हूँ। जब मुझे मौका मिलेगा तो डेविल लॉर्ड को हटाकर उसका पत्ता साफ कर दूंगा, और फिर उसकी जगह मैं
डेविल कम्युनिटी पर राज करूंगा और पूरी की पूरी कम्युनिटी का नाम चेंज कर ब्लड कम्युनिटी कर दूंगा। समझ गए ना? हेल गॉड, मेरी बराबरी तुम ऐसे छोटे मोटे लोगों से करते हो और अपने आप से। तुमने मेरी शक्तियों को काफ़ी ज़्यादा कम में आका है। अब पता चलेगा आखिरकार मैं किस तरह का शैतान हूँ। मुझे उन लोगों ने बुलाया ज़रूर है और उनके लिए मैं काम भी कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं डेविल बॉस बन सकूँ सिर्फ और सिर्फ, बल्कि इसलिए कि मैं वहाँ का राजा बन सकूँ। उसके लिए मुझे पहले डेविल लॉर्ड का भरोसा जीतना होगा और फिर मैं उसे ख़त्म कर दूंगा धोखे से। फिर वहाँ पर राज मेरा होगा। वैसे अब तुमको पता चल रहा होगा मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तब मैं डेविल बॉस बन जाऊंगा। चाहूँ तो मैं डेविल लॉर्ड को सीधा भी मार सकता हूँ, लेकिन उससे मैं उसकी कम्युनिटी के लोगों का भरोसा नहीं जीत पाऊंगा। इसीलिए मैं उसे सीधे नहीं मार रहा, बल्कि पहले उसकी कम्युनिटी के लोगों का भरोसा जीतूंगा और उसके बाद उसकी कम्युनिटी के भरोसे का लोगों को जीतता जीतता उसकी कम्युनिटी को ही उसके खिलाफ कर दूंगा। समझ में आया ना? अब बस मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। कहाँ भाग के जा रहे हो? ये लो, मैंने इसको पूरी तरीके से मार दिया है। दोस्तों, डेविल लॉर्ड को लगता है कि मैं उसके लिए काम करूंगा और वो मुझे डेविल बॉस बना देगा, बल्कि वो तो इस लायक भी नहीं है कि मैं उसके लिए काम करूं। लेकिन मुझे उसकी कम्युनिटी का भरोसा जीतना है, डेविल कम्युनिटी का भरोसा जीतना है, जो पहले हेल कम्युनिटी हुआ करती थी। उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ ताकि उनका भरोसा जीत सकूँ। और जिस दिन मैंने उन सब का भरोसा जीत लिया ना, ठीक उसी दिन मैं डेविल लॉर्ड को मार दूंगा और फिर वहाँ का राजा बन के उस डेविल कम्युनिटी का नाम चेंज करूँगा सबसे पहले तो, और उसका नाम रखूँगा ब्लड कम्युनिटी, और मैं वहाँ का राजा ब्लड रेवन। चलो फटाफट जाता हूँ और ये बात बता देता हूँ उस डेविल लॉर्ड को कि मैंने अकेले ने एक हेवन कम्युनिटी के बंदे को मार दिया जिसका नाम हेल गॉड है और वो हेल लॉर्ड का बेटा है। इसी किसी के बंदे को नहीं मारा मैंने, हेल लॉर्ड के बेटे को मारा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ है। और आज तो मैं डेविल बॉस बन जाऊँगा और धीरे धीरे करके मैं इनका भरोसा ऐसे ही जीतता रहूँगा जिससे इनको मेरे ऊपर भरोसा बन जाएगा। और एक दिन मैं इस भरोसे में चाकू घूप दूंगा इनके पीठ के पीछे। डेविल लॉर्ड, मैंने मार दिया हेवन आर्मी के एक बंदे हेल गॉड को जो कि हेल लॉर्ड का बेटा है। वाह ब्लड रेवन, मुझसे तुम्हें यही उम्मीद थी, तो आज इसी वक्त से ही मैं तुमको हमारी इस डेविल कम्युनिटी में और डेविल आर्मी में तुम्हें डेविल बॉस का दर्जा देता हूँ। आज से तुम हमारी कम्युनिटी के डेविल बॉस हो ब्लड ड्रैगन। अब तुम डेविल बॉस बन चुके हो, अब मेरी कुछ शक्तियां भी तुम्हारे पास होंगी, ये बात याद रखना। और बस तुम, अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तो मेरे अलावा तुम्हारा ही हुक्म चलेगा अब यहाँ पर, ये बात याद रखना। और सारे हुक्म इनको सोच समझ के ही देना, बोले तो ऑर्डर एकदम सटीक और सही होने चाहिए तुम्हारा, वरना तो तुम्हें डेविल बॉस के पद से हटा दिया जाएगा। समझ गए ना ब्लड रेवन? अरे हेल लॉर्ड, तुम्हारी आंखों से ऐसे आंसू क्यों निकल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ बुरा हुआ है क्या तुम्हारे साथ? अरे फ्रैंकलिन, मुझे लगता है मेरा बेटा हेल गॉड मारा जा चुका है। जब भी मेरे बेटे को कुछ भी होता है तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं, और मुझे कुछ भी होता है तो उसे कुछ आंसू आते हैं। अरे हाँ यार, ये बात मैं कैसे भूल गया। याद रखना, हम उसका बदला जरूर लेंगे, जिसने भी उसे मारा है उसको मार के रहेंगे, और जैसे ही तुम्हारा बेटा हमें मिल जाएगा हेल गॉड, तब हम उसे वापस से जिंदा कर देंगे और उससे पूछेंगे कि उसे किसने मारा है। वैसे दोस्तों,
उसका बदला हमें लेना है क्योंकि हेल लॉर्ड ने अपने लिए बहुत काम किया है। वैसे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।